फाइनली आई गॉट वीज़ा, कैन यू सी, या तो वो ऑफिसर ने मुझे ग्रांट किया, सिर्फ 14 डेज के लिए ही वीज़ा ग्रांट किया। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं दुबई के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे हूँ और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ जॉर्डन। तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जॉर्डन के लिए, वो सब मैं आपको रियाद एयरपोर्ट पे पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम होगा, 6-7 आवर्स है वहाँ पे ले ओवर, तो वहाँ पे आराम से एक जगह पर बैठ के बताऊँगी। और अभी मैं सिर्फ आपको ये एयरपोर्ट दिखा देती हूँ, बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। हेलो, थैंक यू। ये है फ्लाइट, तो अभी मैं फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ। यू कैन सी काफ़ी कंफर्टेबल है फ्लाइट, एंड कलर मेरा फेवरेट है पर्पल कलर, एंड आज भी मुझे विंडो सीट मिली है। यहाँ पे चार्जिंग का दिया है स्लॉट, और यहाँ पे मेन्यू कार्ड है, इसको टर्न कर सकते हो ऐसा। मेन्यू एंड कुछ रीड करने के लिए कुछ रीड करना होगा यहाँ से कर सकते हैं। यह है मेन्यू कार्ड। स्वागत है आपका रियाद के एयरपोर्ट पे, किंग खालिद एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं उसकी वहाँ पे लॉन्च में हूँ, और अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया है, और रात के अभी बजे है 12:30। यस ना, ऑलमोस्ट 1 AM हो गया है। सो ये मैंने ट्रांसिट फ्लाइट ली है दुबई से सऊदी, सऊदी से जॉर्डन की, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती हो रही थी कंपेयर टू अदर फ्लाइट्स। और डायरेक्ट फ्लाइट तो इंडिया से है नहीं, तो अगर आप आते हो यहाँ पर तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी जॉर्डन के लिए, आपको ट्रांजिट फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। तो मैं अभी फ्लाई कर रही हूँ फ्लाई अडील फ्लाइट से, दोनों सेम कंपनी की फ्लाइट थी, बट फिर भी मुझे रियाद में यहाँ पर खुद से लगेज लेना था और फिर वापस चेक इन करना था और इमिग्रेशन वो सब क्रॉस करना होता, बट मेरे पास सऊदी का वीज़ा नहीं है। सो जब मैंने टर्मिनल पे, दुबई के टर्मिनल पे जब चेक इन किया, तब उसने बताया कि आप अपना लगेज अपने पास ही रखो। सो जो मेरा चेक इन बैग था वो भी मैंने अपने साथ ही ले लिया फ्लाइट में। और जो दुबई का टर्मिनल पे कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा, एकदम सिंपली ही हो गया, बहुत ही इजी था। सो अभी बाहर तो मैं गई नहीं हूँ, सिर्फ डायरेक्ट ही मुझे ट्रांजिट जो इंटरनेशनल की फ़्लाइट होती है वहीं पर आ जाना था, और यहीं से जो ऊपर ही मुझे बोर्डिंग गेट होता है ना, वहीं से मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा।
अभी 1-2 घंटे पहले उसने बोला कि अभी 1-2 घंटे पहले आ जाना, फ्लाइट का जो टाइम है उसके 1-2 घंटे पहले आ जाना, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तब तक मैं अभी यहाँ पर लॉन्च में हूँ और अभी मैं डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी कर रही हूँ और वो सब है वो मैं आपको जॉर्डन पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है वो तो नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऑलमोस्ट 99% मैं श्योर हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, बट फिर भी वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि क्या है वो सब। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स पूछे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ यही पूछा यहाँ से जो फ़्लाइट है वो एंट्री की फ़्लाइट और एग्ज़िट की, एंड मैं अभी आपको फ़्लाइट डील के बारे में भी बता देती हूँ कैसी है फ्लाई अडील। फ्लाई अडील 3-स्टार लोवेस्ट कॉस्ट एयरलाइन है सऊदी अरबिया की, लाइक दुबई हैज़ एमिरेट्स, शारजाह हैज़ एयर अरबिया वैसा। इसके मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे थे वो थोड़े अच्छे नहीं थे, लाइक गेट फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है, बैड एक्सपीरियंस का था। सो अभी मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। मुझे ये फ़्लाइट में कोई इश्यू नहीं हुआ, बस नॉर्मल ही फ़्लाइट थी, सिंपल सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, वो सब अच्छा ही था। सो अगर आप ट्रैवल करना चाहो तो आप ट्रैवल कर सकते हो इसके साथ, बट हाँ मेक श्योर मेरे जैसा हो तो आप उसके बारे में केयरफुल रहना। फिर जो बैगेज कलेक्ट करने जाना था वो नहीं किया मैंने, बट जो जहाँ पर जब मैंने बोर्डिंग किया टर्मिनल 2 में दुबई में, तभी उन्होंने मुझे बता दिया कि आप लगेज अपने पास ही रखना, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वरना क्या होता अगर मैंने चेक इन बैगेज दे दिया होता उनको, तो मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर जाना होता, फिर वहाँ से बैगेज कलेक्ट करना होता और फिर वापस मुझे चेक इन करना होता, ऐसा होता। बट मैंने लगेज अपने पास ही रखा तो मुझे नहीं जाना हुआ वहाँ पर, डायरेक्ट इंटरनेशनल का जो ट्रांजिट है वहीं पर आ गई और वहीं से अब बोर्डिंग पास मिल जाएगा और एग्ज़िट मैं कर सकती हूँ यहाँ से। सो काफ़ी सिंपल था, स्मूथली हो गया, ये एक बात अब ध्यान रखना। और मेरे पास दो मैं फॉरेक्स कार्ड लेके ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे ये एक्सेस फ्री मिला है लॉन्च एक्सेस में। आपको दिखा देती हूँ क्या है वो सब, कैसी है ये वेलकम लॉन्च। सो उस तरफ से एंट्री है, यहाँ पे फ्री ड्रिंक्स है, जो भी आपको चाहिए ड्रिंक इसमें से ले सकते हो आप, सभी के सभी फ्री है। इस तरफ सिटिंग एरिया है, यहाँ पर टीवी लगाए रखे है स्क्रीन पर, यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, बैठ सकते हो आप। और यहाँ पे सब कुछ फूड वो सब अवेलेबल है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है फूड, और यहाँ पे कुकीज़ एंड ये सब है, लाइम जूस। अभी मॉर्निंग की हुए है 5 AM और गेट अलोकेट हो गया है, बट स्टिल मुझे बोर्डिंग पास अभी नहीं मिला है, तो मैं बोर्डिंग गेट पे ही जा रही हूँ पास लेने के लिए। क्योंकि मैं जब 12:30 को आई थी यहाँ पर, तब मुझे बोला था 2 घंटे बाद आना, तो अभी जा रही हूँ शायद अभी दे दे, क्योंकि 1 घंटे पहले तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, 5:30 को तो स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी कोई पर्सन है तो मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि जब दुबई से यहाँ पर आई थी तब मुझे एक ही बोर्डिंग पास मिला था, दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग पास मुझे यहीं से लेना था। वहाँ पे ऑफिसर्स देख रहे हैं, वो दोनों मेरा बोर्डिंग पास इशू कर रहे हैं अभी। ये बोर्डिंग गेट है मेरा 23, फाइनली गोट माय बोर्डिंग पास और 5 to 10 minutes में अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा ऐसा बताया उन्होंने। दूसरी फ्लाइट है फ्लाई अडील की, बट सीट्स आर डिफरेंट, ऑलमोस्ट खाली होगी पूरी ऐसा लग रहा है। पहली वाली थी वो इससे बेटर थी, कैन यू सी द सीट्स, तो मुझे मिली थी 8D। तो फ्लाइट में बहुत ही कम लोग हैं तो मुझे मिल गई अभी वापस विंडो सीट। ये फ्लाइट मैंने बुक की है अराउंड 18K, मतलब 18,000 की मैंने बुक की है, और जो मेरी रिटर्न फ्लाइट है वो अप्रॉक्स मैंने 16K की बुक की है, जो अदर कंट्री की है, वापस इंडिया की नहीं है, रिटर्न टिकट वापस इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री की है। तो लेट्स सी जॉर्डन एयरपोर्ट पे क्या रिएक्ट करते हैं, अदर कंट्री की है तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं है, वो देखना है अभी।
और ये फ्लाइट 2 घंटे में पहुंचा देगी जॉर्डन। और उसके बाद जो सिटी में कैसे पहुंचना है, सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो एयरपोर्ट पर पहुँच के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब बताऊंगी। मेरा वीज़ा मुझे मिल जाएगा उसके बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं कैमरा नहीं यूज़ करने वाली हूँ एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन के बाद मैं यूज़ करके आपको सब कुछ बताऊंगी। सो मिलता है इमिग्रेशन के बाद। सो फाइनली आई गो टू वीज़ा, कैन यू सी। सो हुआ ऐसा कि एयरपोर्ट से बाहर आई, अभी मैं एयरपोर्ट में ही हूँ, बट जो इमिग्रेशन वो सब एरिया होता है उसको क्रॉस करके मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो हुआ ऐसा कि फ्लाइट से मैं अंदर आई तो उसके राइट हैंड साइड जाना था, बैगेज क्लेम का था, उस तरफ ही आना है आपको वीज़ा के लिए। फिर सबसे पहला काउंटर आएगा वीज़ा फ़ी का। अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो आप वहाँ पे दिखाना है जॉर्डन पास, और अगर आपके पास जॉर्डन पास नहीं है तो वहाँ से आपको 40 JD मतलब अप्रोक्स 4,000 का होगा वीज़ा, वो आपको लेना है। और उसके बाद आपको वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपको पूछेंगे कहाँ पे स्टे किया है, वो सब आपको पूछेंगे। और मैंने पूछा, बोल दिया कि हाँ अमन में स्टे किया है। मैंने 1 डे का स्टे बुक किया था, वो सिर्फ उसको दिखा दिया। फॉर एड्रेस मुझे चाहिए था तो मैंने वो दिखा दिया उसको। फिर उन्होंने मुझे एक पुलिस ऑफिसर थे उसके पास भेजा, और उसने जो पेपर होता है वो पेपर पे कुछ लिखा वो सब था। मेरा पासपोर्ट लिया, उससे मुझे ये भी पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं जॉर्डन में स्पेंड करने के लिए, क्या करते हो, वो सब पूछा। तो मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई और मुझे जो चाहिए घूमने के लिए पैसे वो इनफ मनी है मेरे पास। तो उसको मैंने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताई, तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि 5 मिनट अब बाहर वेट करो। फिर मैंने बाहर वेट किया, उसने कुछ पेपर पे लिखा और वो पेपर मुझे दिया। उसने बोला कि वापस जहाँ पे वीज़ा फ़ी है, जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे जाओ और ये पेपर उसको दे दो विथ योर पासपोर्ट। तो फिर मैं वहाँ पे गई, उसको वो पेपर दिया, तो वो ऑफिसर ने मुझे ग्रांट किया, सिर्फ 14 डेज के लिए ही वीज़ा ग्रांट किया। तो मैंने बोला कि, उसने बोला 2 वीक्स 2 वीक्स, मैंने बोला 2 वीक्स नहीं 3 वीक्स होता है, क्योंकि मैंने जो मेरा रिटर्न टिकट है वो 27 डेज के बाद का है। तो मैंने बोला कि 3 वीक्स होता है, उसने बोला नहीं उतना नहीं होगा, 2 वीक्स ही होगा। तो मैंने बोला फिर उसके बाद तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मेरे रिटर्न टिकट 17 सितंबर की है। तो उसने बोला कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड योर स्टे तो आपको यहाँ पे अमान में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे वापस आपको करना होगा कि मुझे और 14 डेज के लिए स्टे दे दो ऐसा। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी रिटर्न टिकट ये डेट की है और मुझे चाहिए यहीं से चाहिए, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, ऐसा मैंने बोला। तो उसने बोला, मुझे दूसरे ऑफिसर के पास भेजा। फिर उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ पे स्टे है, क्या क्या करने के लिए आए हो, कहाँ से आए हो, वो सब मुझे पूछा। तो मैंने सब कुछ बता दिया उसको। फिर उसने बोला कि हाँ वेलकम, आप ट्रैवल कर सकते हो। मैंने बोला कि इसमें मेरे पासपोर्ट में एक्चुअली जो ये पासपोर्ट के नीचे जो लिखा है ना, ये वाले लाइन वहाँ पे लिखा है 2 वीक्स, ऐसा लिखा है मतलब 2 वीक्स के लिए ही स्टे कर सके लिखा है। तो मैंने बोला कि ये लिखा है उसका क्या, तो उसने बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से जब डिपार्च होते हो मतलब 17 सितंबर को जब मैं डिपार्ट होऊंगी यहाँ से, तब उसको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी मुझे। लाइक उससे मैंने पूछा कितनी फ़ी होगी, तो उसने बोला कि पर डे 1 JD, मतलब उसने बोला कि आप 4 to 7 सितंबर के आसपास एग्जिट होगा, अगर मैं वो नहीं करती हूँ और उसके बाद जितने दिन रहती हूँ तो उसकी पर डे 1 JD फ़ी देनी होगी, मतलब 10 डेज रही तो 10 JD ऐसे फ़ी करके मुझे देनी होगी, 2 वीक्स रही तो 20 JD देनी होगी, ऐसा होगा मुझे। पर एटलीस्ट मुझे पुलिस स्टेशन तो विजिट नहीं करना होगा, ये बच जाऊँगी मैं। बट इंडियंस को 30 डेज के लिए ही होता है वीज़ा, बट यहाँ पे उसको जितने दिन के लिए देना होता है उतने दिन के लिए देते हैं। और हाँ, अगर आपके पास दूसरी कंट्री का वीज़ा है लाइक शेंजेन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और कोई भी अच्छी अच्छी जो कंट्रीज है उसकी कंट्री का वीज़ा है, उन्होंने लिस्ट बोला मेरे सामने, पर मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं था, मैं सिर्फ, तो मैंने बोला कि हाँ मैं इंडियन ही रेसिडेंट हूँ और कोई कोई वीज़ा नहीं है मेरे पास, इसके बाद में जो नेक्स्ट कंट्री जाने वाली हूँ उसका वीज़ा है मेरे पास। तो उसने बोला ठीक है,
तो उसके लिए मुझे 14 डेज या अगर मेरे पास दूसरी कंट्री का होता तो शायद मुझे जितने दिन रुकना चाहती हूँ उतने दिन का डायरेक्ट ही मिल जाता, कोई डिपार्चर फी ऐसा कुछ नहीं देना होता। अगर आपके पास जो दूसरी कंट्री का वीज़ा है और उसके बाद आप जॉर्डन आते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। सो या दैट्स द स्टोरी, अभी वीज़ा मिल गया है और अब एयरपोर्ट के बाहर जाती हूँ मैं। बाकी तो कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिंपल ही था। दुबई के एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं पूछा था, रियाद सऊदी आई तो वहाँ पे भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा था, सिर्फ उसने पूछा था कि वीज़ा ऑन अराइवल है, आर यू श्योर, ऐसा सिर्फ पूछा। मैंने बोला हाँ यस आई एम श्योर, बस उतना ही था। यहाँ पे थोड़ा इंक्वायरी की और उसको जितने दिन के लिए देना था बस उतने दिन के लिए दिया। अब लेट्स सी जो एक्सटेंड करना है, क्योंकि 2 वीक्स के लिए दिया है, उसके बाद मेरे 13 डेज और बाकी रहेंगे, तो उसके लिए क्या चार्जेस लेते हैं वो तो एग्ज़िट के टाइम ही पता चलेगा। तब तक जॉर्डन हम एक्सप्लोर करते हैं, मज़े करते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास था रिटर्न टिकट, जॉर्डन पास एंड हेल्थ इंश्योरेंस। और यहाँ का जो एड्रेस पूछा उसके लिए मैंने 1 डे का होटल बुकिंग कर लिया था, दैट्स इट, उतना ही था मेरे पास, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। और उस तरफ से नीचे आना है, उस तरफ ऊपर इमिग्रेशन का है, सिक्योरिटी चेक इन है, और फिर नीचे आके ये बैगेज क्लेम का है इस तरफ, और उस तरफ से एग्ज़िट है। जो सब है ऊपर ही है, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। अब सिर्फ देखना है कि डिपार्चर के टाइम पे कितनी एग्ज़िट फी लेते हैं वो लोग। आई थिंक मेरा 13 डेज़ का एक्सटेंड होगा स्टे, तो अप्रॉक्स वो ले लेंगे 20 ZD ऐसा कुछ, देखते हैं क्या होता है। अभी तो बाहर चलते हैं एयरपोर्ट, टैक्सी ढूंढते हैं। ये है अमान ड्यूटी फ्री का, और इस तरफ से है एग्ज़िट, कस्टम चेक पॉइंट पे जाना है हमें। अभी मैं वापस कैमरा बंद कर देती हूँ। ऐसे चेक कर रहे थे वो लोग बैग, तो अभी ऑरेंज का था वहाँ पे, मैंने पूछा 20 GB का, 15 ZD बताया उसने फॉर अनलिमिटेड लोकल कॉल्स एंड 20 GB डेटा। सो शायद मैं अभी बाहर से लोकल से ही लूँगी, यहाँ पे तो 15 ZD है, बाहर कुछ कम होगा शायद, लेट्स गो। और अभी मुझे वहाँ पे जाना है एयरपोर्ट, बस का जो काउंटर दिख रहा है वहाँ पे जाना है, वहाँ से मुझे बस करनी होगी नॉर्थ बस स्टेशन के लिए। फॉर नॉर्थ बस स्टेशन हाउ मच? 3.3। ओके, नो येलो वन, ओके थैंक यू। ओके ओके, डाउनटाउन, इट्स अ डाउन इन अ डाउनटाउन, राइट? डाउनटाउन फोर सर्कल, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे 4 सर्कल पे कहीं पे उतार दिया है, और ये मेरी होटल है वो यहाँ से 6 to 7 किलोमीटर दूर है, तो उससे बोला था कि यहाँ से मैं टैक्सी करके जा सकती हूँ, इन 1 or 2 ZD लेंगे वो, तो देखते हैं कोई मिलती है अभी तो। थैंक यू, शुक्रन। Where are you from? इंडिया। Downtown, huh? Yes. Your location? Yes, yes, I will show you. So just reached at my hostel. So चलिए guys, ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, और कहाँ पे स्टे लिया है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.